नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यार नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यार यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। स्लाइड बोल लेता हूँ, इस पर तो पूरा हो जाए। हम जीतेंगे तो शत्रु तो सभी मर जाएंगे, तो अब जो राज्य मिलेगा निष्कंटक मिलेगा, शत्रुओं के बिना का राज्य, तो आराम, कोई एनिमी नहीं, कोई ओपोनेंट नहीं, कोई कंपेटिटर नहीं, और धन्य धान्य से संपन्न, देवताओं के अधिपत्य पाकर भी ये जो गिल्ट उत्पन्न होगा उसका निवारण करने का कोई उपाय मुझे तो दिखाई नहीं देता। और अब संजय इस घटना की पुनः कॉमेंट्री अर्थात उसका इंटरप्रिटेशन और उसका सब वह दो श्लोक में कहता है। संजय उवाच। संजय उवाच। एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परं तप गुडाकेशः परं तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। नौवें श्लोक में दो संबोधन कृष्ण के लिए, दो संबोधन अर्जुन के लिए, ऋषिकेश और गोविंद, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों को वश किया है, मोह से पीड़ित नहीं ऐसे श्री कृष्ण महाराज, बस। और दो विशेषण, दो संबोधन अर्जुन के लिए हैं, गुड़ाकेश और परंतप। परंतप अर्थात शत्रुओं को संताप उत्पन्न कराने वाला, उपजाने वाला, शत्रुओं को संताप, शत्रु डर जाए सामने आए तब। और गुड़ाकेश, निद्रा को जीत लिया है जिसने, और गुड़ाकेश का दूसरा अर्थ नॉटेड हेयर। नॉटेड हेयर में तो क्या हमें ऐसा कुछ कॉपी करने की ऐसी कुछ क्षमता नहीं है, तो गुड़ाकेश का हम पहला ही अर्थ रखते हैं निद्रा को जीतने वाले। हमारे कॉन्शियस माइंड को जीतना डिफिकल्ट है, और अर्जुन वह है जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी जीत लिया है, क्योंकि निद्रा वह सबकॉन्शियस माइंड में से आती है, और जिसने निद्रा को जीत लिया है उसका अच्छा खासा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड पर है, क्योंकि इट कैन नॉट जस्ट कम। आप कहते हो ना कि बाबा नींद आ गई, झोंका आ गया, इतनी लाइट थी फिर भी आ गया, आपका सबकॉन्शियस वीक है,
इसलिए उसके धक्के से आपके शरीर का कंट्रोल गंवा देते हो, आप कभी कभी मन का कंट्रोल भी, आप कहते हो ना गुस्सा आ गया, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते कि गुस्सा मैंने उत्पन्न किया। सबकॉन्शियस को जीतना वह योगी का लक्षण है, और अर्जुन साधक था, अर्जुन योगी था। कहीं भी हम भी थोड़ी होशियारी दिखाकर, हम अर्जुन जैसे नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, यूं नहीं बोलना, क्योंकि अर्जुन का एक गुण गुणाकेश आप में नहीं है। निद्रा समझे आप, एक बार जागरण कर लेते हो पर आपको देखकर पता चल जाता है इतने इरिटेटेड आप क्यों हो। आपको नींद नहीं आई, बहुत मच्छरों ने काटा है, नींद नहीं आई आपको, सुबह आपका थोबड़ा देखकर पता चल जाता है कि मच्छरों ने पार्टी की है। आपको क्या पता चलेगा, आप रूम में हो आपको क्या पता चलेगा, आप टेरेस पर रहो तो पता चलेगा। गुड़ाकेश, चलो ये बात तो छोड़ो, आखिर में क्या कहा, गड़बड़ कहां कर दी। गोविंद भगवान से कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर, राउंड राउंड नहीं, गोल गोल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कि युद्ध नहीं करूंगा, जो समय मिलेगा तो जरूर करूंगा। ऐसे गोल गोल बात तो हम कर सकते हैं, समय होगा तो मंडप का काम जरूर करूंगा, पर क्या समझना है हमने, स्पष्ट कहो यस या स्पष्ट कहो नो। स्पष्ट कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर चुप हो जाता है। पेशेंट होकर डॉक्टर को एडवाइस करता है, ये दवा तो मैं नहीं लूंगा, ये जो कड़वी दवा आप देते हो ना, ये कड़वी वो तो लूंगा ही नहीं, और वो कैप्सूल हमसे ली नहीं जाएगी, और वो दूसरी सब दवाइयां मुझे चलती नहीं, वो भाती नहीं, ये चलती नहीं, और ये हमसे लिया नहीं जाता। ये आपको हंसी आ रही है, पर कहीं अर्जुन कुछ ऐसा ही कर रहा है। मैं आपका शिष्य, मेरा कल्याण किसमें है वह आप जानते हो, और जैसे आप कहो वैसे करूंगा, खाली युद्ध नहीं करूंगा। कुछ अटपटा लग रहा है, नहीं करना आप, चेला तेरा हुकुम मेरा, चेला तेरा। चेला कहता है गुरु से, मैं चेला तेरा, तुम मानना हुकुम मेरा, युद्ध नहीं करूंगा। अब इसे छोड़कर आपको जो आज्ञा देनी हो, जो करना है वह करो। आपको पता है गुरु को यही करने का मन होगा, हमने वीकनेस होगी तो भी रहने देनी है, दिखानी नहीं। उसके ऊपर ही कृष्ण को पता चल गया कि अब इसे सब कुछ, इसका भक्त हृदय जरा वीक है, अब इसे बुद्धि से इसमें प्रवेश करना पड़ेगा, ये हृदय से नहीं होगा। इसलिए अब उसके सारे तर्क के एकदम लॉजिकल आंसर्स देकर देकर देकर, परफेक्ट आंसर देकर, अब कृष्ण को पता चल गया कि अब सांख्य योग शुरू करना पड़ेगा। देखो अब तक किया नहीं था ना, ऐसा कहा यूं ही चल जाता हो तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता हो, भक्ति से ही हो जाता हो, प्रेम से ही हो जाता हो तो लंबा खींचूंगा नहीं, ही अंडरस्टैंड्स कितना आप बैठोगे, पर नहीं होता। उसकी शरणागति में खामी आ गई है, और उसे पता भी नहीं है कि ये शरणागति की खामी है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम रज। सभी धर्म को छोड़कर, जैन धर्म, वैष्णव धर्म नहीं, तेरी सभी इच्छाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मामेकम रज। और तुरंत कितने श्लोक के बाद, 73rd ना, यानी कितने श्लोक, 4 और 3 7, 7 श्लोक में तो कहता करिष्ये वचनम तव, और फिर भगवद गीता को थोड़े ही श्लोक के बाद पूरा होना ही पड़ता है, क्योंकि हृदय से निकला हुआ करिष्ये वचनम तव, ये जो था वह नहीं, ये अगर होता तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप नहीं हो जाता, तो वह चूक गया, चूका है, और हमें मिली है भगवद गीता। हे भारत, हे भरतवंशी धृत राष्ट्र, इस भरत ऊपर मुझे बोलना है अपूर्व, तो 10 बजेंगे। भरतवंशी, भरत यू नो, भरत, भरत से भारत, यहाँ भारत शब्द है देखो, क्योंकि भरत का वो भारत, भरतवंशी, 3 भारत हुए हैं हमारी संस्कृति में, 3 भारत, एक श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव का पुत्र जड़ भरत, मैं श्रीमद् भागवत बोला हूं, आप कुछ जैन, अलग कुछ जैन का समझे हो तो मुझे पता नहीं, मैं श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद, ऋषभदेव,
आठवां अवतार 24 अवतारों में से कुछ आठवां अवतार मानते हैं और उनका वह पुत्र वह जड़ भरत का जीव भरत है। वह दीक्षा लेता है, सन्यासी है और एक हिरण का बच्चा मर रहा होता है, उसे बचाते हैं, साथ में रखते हैं, मोहित हो जाते हैं। इतना ज्यादा राग हो जाता है, दूसरे भव में फिर से हिरण बनता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है और लगता है कि ये एक राग करने से हिरण की गति मिली। उसके बाद भरत बनता है, भरत सन्यासी फिर से ऋषि बनते हैं और जड़ भरत मौन ही रखते हैं। नो कम्युनिकेशन विद एनीवन कि किसी के प्रति राग हो जाए। जड़ भरत जाने कुछ समझता ही ना हो, बुद्धू हो, बुद्धू है नहीं पर किसी से बात ही नहीं करते, जाने कुछ समझे ही ना हो, इसी तरह रहते थे जड़ भरत। और कृपालु देव ने प्रभु श्री को आज्ञा फरमाई थी जड़ भरत बनकर रहना, चाहे जितनी क्षमता हो शक्ति हो पर सब अंदर छिपा देना। रिद्धि सिद्धि तो जो प्रकट होगी वह भी, पर जो इंटेलेक्ट और गुण होंगे वे सारे भी अंदर। किसी को पता ना चले आपकी अंतरंग दशा कितनी ऊंची है, ऐसे जड़ भरत बनकर रहना। यह जड़ भरत, एक ये जड़ भरत है, दूसरा ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान और साधना का प्रतीक है ये भरत। दूसरा भरत राम जी का भाई और वो राजगद्दी, वो पादुका और वो सब आपको पता है, वो भक्ति वाला, भक्ति और समर्पण और त्याग का प्रतीक है दूसरा भरत। सभी भरत कैसे इतने अच्छे होते हैं? तीसरा हमारा शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, इसकी स्टोरी तो आप जानते हो। और फिर वो इतना शूरवीर था, 4 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र में सिंह के साथ खेलता, सिंह का मुंह खोल देता, क्योंकि मुझे दांत गिनने हैं। अभी इन भरत भाई पर कोई प्लास्टिक की छिपकली भी गिरे ना तो चिल्ला उठेंगे, चिल्ला उठेंगे। और वहां सिंह का मुंह खोलकर उसके दांत गिनता है ऐसा शूरवीर, और उस पर से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत पर से इस देश का नाम भरत का, इसलिए भारत हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम फिर हिंदुस्तान या इंडिया बोलते हैं। भरत के कुल में ये सब हुए हैं कौरव पांडव, भरत के कुल में, भरत का पुत्र फिर पुरु और पुरु का पुत्र कुरु और कुरु ऐसा करते करते फिर कौन, शांतनु आ गया। शांतनु के बाद की स्टोरी आपको जाननी हो तो आप अध्याय पहला और दूसरा और दूसरी कैसेट सुन लेना, अभी आज टाइम नहीं है। शांतनु और शांतनु के बाद वो विचित्र वीर और फिर धृतराष्ट्र और पांडु। तो ये जो भरत शब्द, भरत शब्द अथवा तो भारत, भरत का भारत, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सभी कौरवों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सभी भरतवंशी हैं। सभी पांडवों के लिए भारत शब्द इस्तेमाल करते हैं और अर्जुन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहां जो इस्तेमाल किया है 10वें में, वह धृतराष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया गया है और आगे आएगा 14वां श्लोक देखें, उसमें आखिरी शब्द है भारत। वह इस्तेमाल हुआ है मात्र अर्जुन के लिए, पर भारत शब्द वह संबोधन सभी कौरवों के लिए इस्तेमाल किया जाता क्योंकि सभी कौरव भरत के वंशज हैं। वो सब तो ठीक, पर भारत का अर्थ क्या होता है वो आप जानते हो? भा अधिक रत, भा अर्थात प्रकाश, आभा भा अर्थात प्रकाश, भा यानी चैतन्य, भा यानी अवेयरनेस, और उसी में जो रत हो, रमणता करता हो, वह भारत। तो अब भारतीय मतलब क्या होता है? जो चैतन्य में ही रमणता करते हो आप भारतीय हो, पासपोर्ट नहीं दिखाओ, हाँ हम भारतीय हैं यूं नहीं, आप रमणता कर रहे हो। अब जब भी भारतीय हूं ऐसा बोलोगे ना, तब पूछना ख्याल भी है, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। और रमणता तो पुद्गल में रमणता, भारत शब्द का ऐसा अर्थ है। और जब भारत कहते हैं भरतवंशी धृतराष्ट्र को, जरा वह भी टॉन्टिंगली बोलता है कि कहां भरत और कहां भरत की शूरवीरता और कहां धृतराष्ट्र का लोभ और कहां उसका अंधत्व। चलो भाई, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के मध्य, ऐसा नहीं कहते जरा साइड में आना, हमें कोई ऐसा कहे तो हम कहते जरा साइड में आइए ना, हम बात करते हैं। कृष्ण वहीं रहकर बात करते हैं और मेरी स्टाइल भी कुछ कुछ ऐसी ही है, स्थान चेंज नहीं करना, वहीं के वहीं। तो कहा वहीं दोनों सेना के बीच ही, हमने पहले अध्याय में बात की ना, मैंने कहा था ना जहां वे लोग पहुंचे थे वहीं भगवद गीता शुरू हुई थी, ये भगवद गीता का वेन्यू दिखाया आपको।
टाइम बताया और अब वेन्यू बताया। तो कहा कहाँ? तो कहा चलो हम धर्मपुर जाकर करते हैं। ऐसा नहीं, जहां थे बैटल फील्ड में, वेयर कंफ्यूजन अरोज अरोज, वहीं अर्जुन के प्रति हो उस तरह से ये वचन कहें। यह वचन बोले मतलब एंड तक चलेगा ये, हाँ यह वचन अर्थात भगवत गीता। अब कृष्ण का गीत शुरू होता है, अब उसका लैमेंटिंग सब पूरा हो गया, अब वो रोना और रुदन और क्या वो सब खत्म हो गया अर्जुन का। अब कृष्ण का गीत शुरू होता है अर्थात शंकर भाष्य तो यही कहता है, मतलब कि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है गीता ऊपर, वे तो कहते हैं कि यहां से भगवत गीता की शुरुआत है। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक जिसमें भगवान का गीत शुरू हुआ, अब भगवान स्टार्ट करते हैं और उनकी ओर से पूरी फिलॉसफी अभी तक अर्जुन की ओर से और उसके प्रत्युत्तर के रूप में चल रहा था, पर अब वह जो खुद वह जिसमें रथ है ऐसे चैतन्य आत्मा शुद्धात्मा, वहां से अब बात स्टार्ट करता हूं। अब थोड़ों को अच्छा लगेगा और थोड़ों को उबाऊ लगेगा। स्टोरी इज ओवर, फिलॉसफी स्टार्ट्स, सांख्य दृष्टि तत्व दृष्टि। पर उसके पहले एक शब्द पे ऊपर मुझे जरा बोलना है, बोल लूं? मलकता। आप बैटलफील्ड पर भी रिलैक्स्ड हो, हम तो एग्जामिनेशन हॉल में भी रिलैक्स्ड नहीं है। हमें केवल मेहुल भाई को खाली खड़ा कर दें तो रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि मैं बराबर जवाब दे पाऊंगा या नहीं, बापा को क्या चाहिए जयेश या महेश, ये तो उसका नसीब की राइट आंसर मिल गया, बाकी इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। खाली आपका नाम बोलो तो आप टेंशन में आ जाते हो, और आपका जो चहकता मुख है वह मुरझाने लगता है। और यहां युद्ध के मैदान में मलकता, नॉट टेंस्ड, टेंस्ड भी नहीं, द्वेष भी नहीं। ये सब सेवकों ने और सलाहकारों ने समझ लेना चाहिए कि सलाह देने से पहले चहकते होने चाहिए, टेंस नहीं रहना चाहिए, सलाह लेते और देते हुए एकदम मलकाते, मतलब टेंस नहीं। यूं तो बहुत कुछ कह सकते हैं ऐसा है, पर मैं मोनालिसा जैसा मलकपना है। मोनालिसा, यू नो मोनालिसा, वो फ्रेंच औरत फ्रांस की, हम देखने गए थे 89 या 93 में देखने गए थे, कौन सा म्यूजियम था वो, और उस म्यूजियम में खास हमने भरत भाई जोगाणी के वहां फेक पिक्चर मोनालिसा की देखी थी, वो हॉल में थी, तो तब से मन था कि सच्चा चित्र देखें। मिस्टीरियस स्माइल, क्या करती है ये स्माइल वह पता ही नहीं चलता, वह टोकती है, मजाक कर रही है, निंदा कर रही है, दया खाती है, ऊब जाती है, चाह है क्या, इट इज अ मिस्टीरियस स्माइल। मोनालिसा की स्माइल के पीछे उसके भीतर क्या चल रहा है वे कोई नहीं कह पाया। और कृष्ण की भी एकदम मिस्टीरियस स्माइल है, और कहा वाई आर यू स्माइलिंग, बेचारा वो आपका आपका बहनोई, आपका सखा, आपका शिष्य, आपकी बुआ का लड़का, और बेचारा वो कितना टेंशन में है, मोहग्रस्त है, सिदंती गात्राणी, शुगर लो हो गई है, प्रेशर हाई हो गया है, बेचारा मेंटली भी फिट नहीं है, कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड, इनडिसिसिव। एक तो आप ऐसी स्थिति में दया आनी चाहिए कि यूं हंसना चाहिए, आपके हास्य में क्या है। तीन बार कृष्ण मलकाए हैं, आप तो जानते होंगे, हे वैष्णवों, मुझे महाराज साहब ने पूछा, आचार्य महाराज साहब के पास मैं बैठा था यहाँ कुटीर में, तो कहा बहुत खुश हूं मैं कि आप सर्वधर्म संभाव की वृत्ति को व्यापक बना रहे हो, मात्र प्रवचन नहीं पर व्यापक, वो सब उनको उन्हें उनका भाव। फिर मात्र ये पूछा कि आपके ग्रुप में बहुत वैष्णव आते हैं, यूं भगवद गीता, मैंने कहा नो आई हैव नॉट टेकन दिस टू प्लीज वैष्णव्स, दिस इज टू प्लीज जैन्स, दिस इज नॉट फॉर वैष्णव्स, ये वैष्णवों के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं यहां सभा में, उन लोगों को मेरापन है ना इस ग्रंथ के लिए, इसलिए अलाउ भी करूंगा, इन्वर्टेड कॉमास जैन के लिए है। तो तीन बार कृष्ण इस तरह हंसे हैं, यूं तो कृष्ण इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग फिलॉसफी। जो युद्ध के मैदान में स्माइल कर पाए वह सत्संग में तो कर ही पाएगा ना,
कीप स्माइलिंग फिलॉसफी यानी कृष्णस फिलॉसफी, जस्ट कीप स्माइलिंग। युद्ध के मैदान में अपूर्व हमें लेक्चर लेना हो तो उससे पहले हमारी स्माइल तो खो जाती है या नहीं, हम कितना होगा पूरा होगा या नहीं, ग्यारहवां श्लोक शुरू होगा या नहीं होगा, 10 बजे पूरा करना था, 11वां तो मेन है, 11वां श्लोक तो मेन और 14वां 15 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्लोक है, 1 घंटा तो मिनिमम 14वें 15वें श्लोक के लिए चाहिए, कितना नो टेंशन। इतनी हजारों वर्ष उद्देश्य गाया जाएगा, बोला जाएगा, चर्चित होगा, सुना जाएगा, ऐसी ऐसी वाणी निकलने वाली है, पर उससे उनकी अंतरंग स्थिति देखिए, स्माइलिंग, नॉट टेंस्ड। हमें तो किसी 5 लोगों के सामने भी परफॉर्म करना हो तो पर इस टाइप का जो मलकाना है ना, 3 बार कृष्ण ने किया है। 1 नंबर 1 गोकुल में, जब वो कौन सा नाग था, कालिया नाग, तो जो भी उसकी स्टोरी में तो मैं डिटेल में नहीं जाता, तो भी वो बॉल लेने जाता है और पानी में गिर जाता है और निकलते ही नहीं कृष्ण, और सबको पता है कि वहां पर वो नाग है, सभी इकट्ठे होते हैं और खूब प्रेम जताते हैं और खूब सहानुभूति, अरे रे कोई कृष्ण को बचाओ, कोई गोविंद को बचाओ या गोपाल को, जो भी, कोई मेरा प्यारा कूदता नहीं है पानी में, सभी बोलते हैं कि अरे रे बेचारे नन्हे बालक का क्या होगा और वो ये वो, पर कोई कूदता नहीं है क्योंकि उन्हें सबको अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तब कृष्ण पानी में नीचे एक बार हंसते हैं, वाह रे आपका प्रेम, कोई बलिदान दिए बिना अपना प्रेम सिद्ध करना है, एक बार तब हंसते हैं। दूसरी बार गोकुल से 14 बरस की उम्र में मथुरा जाते हैं, अक्रूर जी लेने आते हैं, अक्रूर जी मतलब करुणा, सभी पात्र के नाम भी कुछ अक्रूर, और लेने आते हैं कि यूं है कंस बुला रहे हैं, और फिर आप जानते हो कंस की हत्या होती है और उसकी दोनों पत्नियां कोई भी चलो ए एन बी है, उसका बाप कौन, जरासन, उसका बाप जरासन, यानी जैसे जैनों में जो वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव, तो वासुदेव यानी कृष्णा, बलदेव यानी बलराम और प्रतिवासुदेव यानी जरासन, 3 खंड का राज्य और बाकी सब आप जानते हो। तो जरासंध को जो द्वेष उत्पन्न हुआ है कृष्ण के प्रति, कारण कृष्ण के कारण मेरी बेटियां विधवा हुई, अब उसका मोह ऐसा है कि वह देखता ही नहीं कि कृष्ण कैसा है, मेरी बेटियां विधवा इस व्यक्ति के कारण हुई, इसलिए मथुरा पर आक्रमण करते ही रहते हैं। 17 बार तो आक्रमण हुआ, 17 बार हारा भी, पर कृष्ण जिस कारण पर उसे मारा नहीं और हर वक्त उसे जीवित छोड़ा, और जीवित छोड़ा इसलिए फिर से स्ट्रांग होकर फिर से अटैक करता, 70 बार हुआ और अटैक करता तब जबरदस्त करता, और उसके कारण इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सब कुछ, सभी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ दैट एरिया सारी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि निरंतर अटैक करता रहे तो पीपल वर नॉट कंफर्टेबल। 18वें वक्त अब ऐलान हुआ कि नाउ ही जॉइंड हैंड्स विद ग्रीक्स, उस वक्त ग्रीक्स भी आते थे बॉर्डर पर, ग्रीक्स के साथ वो ज्वाइन होकर अब अटैक करने वाले थे, तब वो मगध और वे सभी एरियाज वर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी चलती थी और सभी इकट्ठे होकर मेजॉरिटी से निर्णय ले, ऐसे प्रकार की रिपब्लिक स्टाइल की वहाँ पॉलिसी थी, रेफरेंडम नहीं, कुछ ही वर्क करते हैं पर मेजॉरिटी से, रेफरेंडम में तो पूरी पब्लिक को करना होता है, यानी अभी जो स्टाइल है कि आपने चुने हुए वहां जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव और वे 500 वहां मस्ती डिसीजन लेते हैं, मेजॉरिटी से पूरा डिसीजन लेते हैं, पर वे 500 जो करते हैं उसको आपने मानना है, आपको पसंद आए ना आए, वो रूल, और 2/3 मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो सब नियम अनुसार चलता, तब वहां भी ऐसा ही था, दिल्ली के आसपास ऐसी ही हवा होती है। तो कंस के कितने अत्याचार चलते थे,
कितने लोग दुखी थे कंस से, और कृष्ण ने उसका वध किया और सबको शांति दिलाई, शांति स्थापित की। फिर इस जरासंध का क्या प्रॉब्लम हुआ? मीटिंग में ऐसा तय किया कि जो असल में जरासंध को मथुरा में इंटरेस्ट नहीं है, जरासंध का कृष्ण के साथ बैर है और कृष्ण के कारण बार बार अटैक करते हैं, तो हमें कृष्ण से कहना होगा कि यहां से चला जाए। तब कृष्ण पुनः हंसे कि वाह रे, जिसने आपको तारा, जिसने आपको बचाया, और आज आप कह रहे हो कि आप यहां से चले जाओ तो अच्छा, तो शांति रहेगी। और इसलिए वे रण छोड़ बोले, क्योंकि रण में से डायरेक्ट भाग गए, फिर से पैलेस में बैग पैक करने नहीं गए, रण में से भागकर सीधे द्वारिका गए, वहां से रण छोड़। रणछोड़ जी की जय, ऐसा बोलते हो ना आप, रणछोड़ राय, रणछोड़। एस्केप करना भी सिखाते हैं और अटैक करना भी सिखाते हैं, कहां पर जिद छोड़ देनी और कहां जिद्दी रहना है, ये दोनों भी सिखाए हैं वह कृष्ण। उनकी एक पर्सनालिटी है ही नहीं कि वे जिद्दी हैं, यहां पर जिद करके उसे कन्विंस करते हैं और वहां जिद छोड़कर भाग जाते हैं। ही वॉज ब्रेव, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन, पर कहा नहीं, मेरे जाने से यहां शांति होगी तो मुझे निकल जाना चाहिए। और द्वारका जाते हैं और द्वारका में, नगरी में द्वारकाधीश बनते हैं, फिर रुक्मणी और वो सब आप जानते हो। दो बार और तीसरी बार यहां पर हंस दिए, अरे शरणागति भी कर रहा है और खुद की इच्छा, चॉइस, डिसीजन भी उतने ही स्ट्रांग रखते हैं, तो क्या सच है, शरणागति सच है या इच्छा पूर्ति बोल रहा है श्रेय, और करना है जो उसे पसंद है प्रेय। तब तीसरी बार हंसे हैं। यूं तो गुस्सा आए ऐसा है या नहीं कि तुझे युद्ध करना नहीं था तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों, द्वारका से बुलाया और सेना और ये सब नाटक किस लिए, यू शुड हैव थॉट ऑफ दिस बिफोर। नो द्वेष, नो टेंशन, हंसते हैं, वह भी अत्यंत करुणा से, खूब मोह में फंस चुका है। आप हंसकर दिखाइए जब कोई अत्यंत दुख में हो और आपका भी विरोध करे, तब आपको उसकी दया आए, आपको हंसी आए कि आई शुड हेल्प हिम बाय अटरिंग भगवद गीता। हां, कुछ इसमें यह भाव तो है कि थोड़ी मस्करी करनी उस हास्य में, जिससे उसे उसकी मूढ़ता समझ में आए, उसकी निर्बलता समझ में आए और थोड़ी शर्म लगे, और फिर से उसकी गाड़ी ठीक से चले, उसकी बुद्धि सही दिशा में चले, ऐसा भाव तो था, पर उसकी निंदा नहीं करनी, उसे तोड़ देना नहीं है, उसकी दया। पर ये बच्चे यूं ही पूछ पूछ किया करते हैं ना, यूं झूठ मूठ के क्वेश्चंस पूछा करते हैं, यूं कोई बालक जा रहा हो और वो समझो रस्सी है और ऐसे मम्मी 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 डर लग रहा है, ये सांप है, तब मम्मी कैसे हंस देती है, ओह सो चाइल्डिश। वो रस्सी को ही सर्प मान लेता है तो अब घबराएगा ही ना, पर वहां रस्सी है, सर्प नहीं है। और ये मोह के कारण ही इज मिस रीडिंग द होल सिचुएशन, और उसके कारण ये सब हुआ है, बिल्कुल बच्चों सा, चाइल्डिश। और फिर शांति से उत्तेजना बगैर यहां मलकता कहकर, बिल्कुल उत्तेजना नहीं है, अब जो बोला जाएगा उसमें वह किस सुर में बोला जाता है, तो कहा जरा सा भी उत्तेजना का सुर नहीं है, एकदम टेंशन फ्री, प्रेम करुणा से उसका मोह दूर करने के हेतु से। एक कृष्ण क्यों बोले, वे कोई भाटिया चारण नहीं है कि यूं आप कोई प्रोग्राम रखो और वे आकर बोलने लगे या गाने लगे, कि इतना ज्यादा भर गया है कि सुनो सुनो 10 बजे फिर भी मेरा सुनो बस, ऐसा नहीं है। ही हैज बीन टोल्ड, आप हमें उपदेश करें, ऐसा कौन से श्लोक में कहा है? 7वें श्लोक में कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे मुझे उपदेश दें। अब दें कहा, इसलिए देते हैं क्योंकि हैं, हैं उनके पास इसलिए देते हैं। और इस तरह भगवद गीता शुरू होती है। 3 विभाग, पहला विभाग 11 से 30 तक आत्मा की अमरता, देह की क्षणभंगुरता के बारे में कथन, फिर 31 to 47 स्वधर्म की पहचान, क्षत्रिय धर्म की पहचान, और वो सारी कला, और जो मोस्ट फेमस श्लोक भगवद गीता का हाँ, पूरी महाभारत की सीरियल जिसके आगे पीछे चल रही थी, वह आएगा यहाँ पर 31 to 47, 47th श्लोक वही है, और फिर 48 to 72 स्थित प्रज्ञ के लक्षण, समत्व की कला, और जो समत्व को प्राप्त हुए हैं, समत्व योग को जो प्राप्त हुए हैं,
अनासक्त हुए हैं, उनकी दशा, उनकी चर्या, उनका उठना बैठना, खाना बोलना कैसा होता है, उसकी अंतरंग दशा कैसे होती है,